If we could look into each other's hearts and understand the unique challenges each of us faces, the unique challenges each of us faces, I think we would treat each other much more gently, with more love. किसी के अंदर ईर्ष्या है किसी के अंदर नफरत है किसी के अंदर कोई और हमारे प्रतिभावना है उसके पीछे भी कारण है कोई मेरे से अगर uh... मैनिपुलेट करके जानबूझ के हलो नहीं करके बाजू से चला जा रहा है या न्यू ईयर के दिन विश नहीं कर रहा है और वेट कर रहा है नो प्लेइंग माइंड गेम्स दैट्स आल्सो यूनिक चैलेंज दैट पर्सन इज अंडरगोइंग ऐसी माइंड गेम्स खेलने के लिए भी अंदर काफी तकलीफ होने की जरूरत है आई श्योर एवरी टाइम हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमारी ओरिजिनलिटी से डिफरेंट है ओरिजिनल स्वभाव हर आत्मा का बहुत सरल सहज दूसरों को सहयोग देना दूसरों के साथ एडजेस्ट करना बहुत इजी गोइंग नेचर ये आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी है जब भी आत्मा उससे हटकर कुछ कर रही है जैसे आपने कहा ये माइंड गेम्स खेलना मतलब ज़बरदस्ती हमें लगता है कि वो ज़बरदस्ती हमारे से ठीक से नहीं बात कर रही या ज़बरदस्ती हमारे मन को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं कोई भी रीज़न हो सकता है नहीं सिस्टर मैं आँ...

गुड मॉर्निंग नहीं कर रही हो नहीं आप एंटर करके देख के इधर कुछ काम करने देख लग जाते। के कुछ और करने लग गए अब पहली बात अगर मेरे नजरिए से देखे मैं एंटर की देखा और कुछ और करने लग गए इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं एक रीजन हो सकता है मैं किसी बात से हर्ट हूँ हो सकता है या नहीं हो सकता हो सकता है लेकिन मैंने आपसे स्टार्ट शुरू से ये बोला था कि जानबूझ के क्या जानबूझ के मैं हर्ट हूँ जानबूझ के अच्छा ठीक है किसी बात से आप हर्ट मैं किसी बात से हर्ट नहीं हो सकती क्या ओके okay, आप yeah. अगर किसी बात से हर्ट हो सकते हैं तो मैं किसी बात से हर्ट नहीं हो सकती ठीक है सिर्फ तो... ये है कि आपको ये पता नहीं है कि मैं किसी बात से हट हूँ राइट सो इफ आई एंटर एंड आई इग्नोर मैंने विश नहीं किया एक बार नहीं किया दो आपने कहा गुड मॉर्निंग नहीं किया न्यू ईयर पे नहीं किया या कभी भी ठीक से बात नहीं किया ऑप्शन एक मैं किसी बात से हर्ट हूँ हो सकता है दूसरा मैं किसी बात से नाराज हूँ। तीसरा हर बार मैं क्यों करूँ? आप भी कर सकते हैं चौथा चौथा के मेरा मन नहीं है करने का इन्हें बात करनी है तो करें बाकी मुझे नाउ इट डिफरेंस टू मी एनी मोर हो सकती है ये बहुत सारी मन की स्थिति तो आप मेरे रूम में मत आइए फिर नहीं है तो आपका रूम मेरा ऑफिस हो सकता है आपका रूम मेरा घर हो सकता है अगर वो आपका कमरा भी है तो मुझे किसी और काम की वजह से वहां पर आना है ठीक है ऐसी हो सकती है वी आर नॉट सेंगे वी आर नॉट सेंग राइट और रोंग सी हमेशा पावर टू टॉलरेट मीन्स ये नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि सामने वाला जो कर रहा है वो सही है सपोज मैं एंटर किया और विश नहीं किया हम ये नहीं कह रहे कि ये सही है लेकिन आपको अगर अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना है hmm. है ना वी नॉट टोकिंग ओनली अबाउट पर्सन कि वो नहीं लेकिन करना ही चाहिए था करना तो हर एक को बहुत कुछ चाहिए लेकिन हमें ये सारी शक्तियों की जरूरत क्यों है हमें ये सारी शक्तियों की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ हर आत्मा और हर सिचुएशन हमारे अनुसार नहीं कर रही है hmm. यही रीजन है ना सब कुछ परफेक्ट हो तो आई एंटर आई विश यू यू विश मी आई ऑलवेज स्पीक नाइसली टू यू ऑलवेज स्पीक नाइसली टू मी परफेक्ट वर्ल्ड फ्रिक्शन एंड मेरे अनुसार कुछ नहीं होना उसमें अंतर है मेरा आकर आपके अनुसार आपसे व्यवहार नहीं करना ये भी तो है हाँ। ये भी यही तो फ्रिक्शन है फ्रिक्शन हाँ। क्या यही तो फ्रिक्शन के अनुसार नहीं होना मीन्स मेरा व्यवहार आपके अनुसार नहीं है नहीं डोमिनेट करना कोशिश करना माइंड ऑफिस में करते स्कूल में करते बच्चे करते हैं आपस में शूटिंग right. uh, में मैंने देखा बड़े करते हैं शक्ति क्यों चाहिए इसीलिए ना पावर टू टॉलरेट क्यों चाहिए अगर सब परफेक्ट 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 होता तो तो चाहिए ही नहीं ना कुछ भी चाहिए ही क्यों ये इट्स अगेन गोइंग बैक टू अगर सड़क पे सब लोग ही अपनी गाड़ी बिल्कुल सही चलाएं अगर किसी को देखें तो अपने आप ही रुक जाए कि कोई आगे जाना चाहे तो अपने आप ही स्लो डाउन हो जाए अगर इतना परफेक्ट ट्रैफिक चले सड़क के ऊपर सोचो सिग्नल की भी जरूरत नहीं है हर एक देखे वहां से कोई आ रहा है मैं अपने आप रुक जाता हूँ yeah, जो ऐसा करे तो मेरा बिहेवियर क्या हो एक है? बार मैंने कर दिया विश। दूसरे Most बार कर दिया। फोकस हमारा अपने ऊपर है कि हमारे आसपास एक्सेप्टेंस बहुत सारी चीजों की पहली बात एक्सेप्टेंस करनी जानी पड़ेगी कि एक सिचुएशंस एंड पीपल कैन नॉट बी अकॉर्डिंग टू मील से दिस टू योर सेल्फ वन थाउजेंड टाइम्स इन अ डे सिचुएशन एंड पीपल कैन नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी ये तो फाउंडेशन मंत्र है परिस्थितियाँ और लोग जैसा मैं सही समझता हूँ वैसे नहीं होंगे आप एक गाड़ी में उतरते हैं आपके साथ आपके साथ दूसरा एक कोस्टार है तीसरा कोस्टार शूटिंग में वेट कर रहा है आपका hmm. हम दोनों आते हैं और वो एक्टर उठ के एक से मिलते है आपसे हेलो भी नहीं करता है साथ है वो भी नहीं देखता है वॉट इज वॉट काइंड ऑफ ए गेम इज दैट वॉट इट इज वी विल सी फर्स्ट इम्पोर्टेंट इज फाउंडेशन इन माई माइंड लोग और सिचुएशंस जैसा हम सही समझते हैं वैसा नहीं होंगे लोग और सिचुएशंस जैसा हम समझते हैं वैसा नहीं होंगे ठीक है क्यों नहीं होंगे अलग-अलग कैसे होंगे वो तो बहुत सारे रीजंस हैं है। वो अलग रीजन वो फिर देखेंगे कि उनके माइंड में क्या चल रहा है हमारे माइंड में क्या चलना चाहिए लेकिन हमारे माइंड को हम मोल्ड कर रहे हैं हम इसकी शक्ति को बढ़ा रहे हैं तो सबसे है। पहले हम ये सिखा रहे हैं अपने आप को कि पीपल एंड सिचुएशन हमारे अनुसार नहीं चल सकती हमारी डेफिनेशन ऑफ सही के अनुसार नहीं होंगे ओके okay, ठीक है जी ये राइट है बात या नहीं ठीक बड़ी बात राइट है या नहीं क्या होता है ना कुछ कुछ चीज होती है जैसे दिवाली के दिन हैप्पी याप्पी न्यूर के दिन न्यू ईयर के दिन हैप्पी न्यू ईयर बोलना ये अगर उसके लिए किसी आदमी के लिए रॉन्ग हो सकता है क्या सभी बोलते हैं जो नॉर्मल बात है वो तो उसके लिए तो एक्सपेक्टेशन नहीं है ना लोग और सिचुएशंस मेरी जनरल डेफिनेशन ऑफ सही के अनुसार भी नहीं चलेंगे मैं दुनिया की जनरल है लोग और सिचुएशंस दुनिया के जनरल डेफिनेशन ऑफ सही के अनुसार भी नहीं चलेंगे अभी देखिए माइंड गेम्स कैसे सिखाते हैं मेरे बेटे को उसकी सेक्रेटरी सिखाते थे कि आप ऐसा करो कोई फोन करे तो एक बार नहीं उठाना दूसरी बार करे तो अपने स्टाफ को बोलना उठाए जल्दी आपने उठाना आपको कोई एसएमएस करे तो दो दिन बाद जवाब देना मेक द अदर पीपल फील फील दैट यू आर क्या अगला वरना ये ले लेगा इतना ध्यान देते हैं उस वो हम एक एक करके देखेंगे कि लोगों के अंदर क्या क्या चलता है जो वो जिस वजह से वो ये सब करते हैं लेकिन मुझे सारा दिन क्या याद रखना है आप जितने भी रीजन ढूंढ लो जितने भी रीजन कि किसी ने विश नहीं किया किसी ने बात नहीं की किसी ने झूठ बोला किसी ने एक्सप्लॉइट किया किसी ने अब्यूज़ किया किसी ने कुछ भी जनरल डेफिनेशन ऑफ राइट के हिसाब से ही है ये सब कुछ रीजंस तो मिलियंस निकलेंगे अभी एक दस सौ नहीं निकलेंगे जो हमें बातें गलत लगती हैं अगर हम एक दिन बैठ के एक लिस्ट बनानी शुरू करें कि हमें क्या क्या गलत लगता है चाहे वो मेरी इमिजिएट फैमिली फिर मेरी थोड़ी एक्सटेंडेड फैमिली फिर समाज फिर शहर फिर देश फिर दुनिया अगर हम लिस्ट निकालें कितनी चीजें गलत लगती हैं लेकिन हर बात जब निकलेगी उसके लिए पहला आंसर जो मुझे अपने आप को देना पड़ेगा लोग और सिचुएशंस मेरी डेफिनेशन ऑफ सही के अनुसार नहीं चलेंगे हो सकता है, चलो, or, uh, भी है. है ना फैक्ट है. है ये फैक्ट को मेरा ये, पूछते हैं। ये है. <laughs> <क्यों>? <laughs> सवाल पूछते ही क्यों ये सवाल मतलब जो मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ इसलिए नहीं चल रहे तो 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 लोग और सिचुएशंस मेरे अनुसार नहीं चल रहे लोग और सिचुएशंस सही की डेफिनेशन के अनुसार भी नहीं चल रहे इज द वर्ल्ड वर्किंग अकॉर्डिंग टू सम यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग नहीं नहीं, नहीं चल रहा ना नहीं। अगर इफ इस विश्व की सारी आत्माएं यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ राइट पर चलती ये स्वर्ग हो जाता वेरी गुड तो ये स्वर्ग हो जाता एंड हमारा एम क्या है कि हमें सबको मिलकर इसको स्वर्ग बनाना है फिर से नहीं बट सबसे अच्छी बात अब की बात अब एकदम क्लिक करी और इतना मैं खुश हो गया सुनिए कि मैं जब स्वर्ग नहीं है उस जगह पे स्वर्ग ढूंढ रहा हूँ लेकिन एक ही जगह है जहाँ हम स्वर्ग बना सकते हैं लेकिन स्वर्ग कहाँ बना सकते हैं अपने माइंड में सो वी गो स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप एक्सेप्टेंस अंडरस्टैंडिंग दिस इज माई मिस्टेक आई फाउंड आउट नाउ कि मैं आपके मन में स्वर्ग बनाना चाहता हूँ कि <laughs> आप आप भी स्वर्ग के हो वो भी स्वर्ग वाला हो हाँ। ये भी देवी देवता हो ये भी ठीक है स्वर्ग नहीं है नहीं है ना चलो स्वर्ग नहीं स्वर्ग नहीं है का मीनिंग भी क्या है कि हर आत्मा अपने ओरिजिनल क्वालिटी के अनुसार नहीं चल रही है प्रॉब्लम क्या है आत्मा ओरिजिनलिटी पे नहीं चल रही है ये प्रॉब्लम है hmm. मैं आपको विश नहीं करती ये मेरी प्रॉब्लम है यू hmm. नो you know, कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है कुछ कि मैं अपनी ओरिजिनलिटी पे नहीं हूँ मेरे नहीं विश करने से आप हर्ट हो जाते हैं ये आपकी प्रॉब्लम भी है अगर आप पावरफुल हो तो आप हर्ट नहीं होंगे क्या बात कर रहे हो एब्सोल्युटली यही तो प्रॉब्लम है सी तो मेरी प्रॉब्लम है हर्ट होना अगर आत्मा पावरफुल हो जाएगी तो क्या होगी अभी हम इतने episodes में क्या देखा समझो फॉर एग्जाम्पल दुनिया की बात तो छोड़ दो समझो मेरे बीवी आ जाए मेरे हुँ। या बेटा आ जाए हुँ। वो आके मुझे विशी नहीं करे और उधर बैठ के अपना पॉपकॉर्न खोल के बैठ के कुछ खा रहे हैं साथ सामने बैठ आके इधर आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग विवेक आप कैसे हो सब बढ़िया एक बार हुआ अरे हंड्रेडेंट जितनी पावरफुल आत्मा होगी वो काउंट ही नहीं करेगी ना उसका नेचुरल स्वरूप होगा वो जब आत्मा पावरफुल होगी तो आत्मा के ऊपर हर्ट की फीलिंग ही नहीं क्रिएट होगी ना वॉन्ट इट बी लेट्स विजुअलाइज लेट्स विजुअलाइज अ सीन आई द सोल हंड्रेड परसेंट पावरफुल हंड्रेड परसेंट परफेक्ट हंड्रेड परसेंट प्योर अब इस आत्मो को बिठाओ उस कमरे के अंदर आप बिठाओ अब कोई आता है ठीक से बात नहीं करता कोई आता है कुछ गलत ही बोल देता है कोई आता है देखता ही नहीं है इग्नोर ही कर देता है लेकिन इस समय चाहे दो मिनट के लिए आपकी स्थिति हंड्रेड परसेंट प्योर परफेक्ट पावरफुल है नहीं।, हर्ट होंगे? नहीं।, नहीं होंगे अगर हर्ट नहीं होंगे तो हाँ तो फिर इसका मतलब है कि मैं हंड्रेड परसेंट रहा हूँ दुनिया कैसी भी रहे Fact मैं तो लिस्ट बना के रखता हूँ किसने कहा, कहा नहीं बोला था तो उसको मिलकर जानबूझ के, जान के बाजू वाले से बात करके उसका रिवेंट बदला लेके जाता हूं। तब मुझे शांति होती है तब शांति नहीं होती हाँ आई फील नाइस अबाउट इट ईगो सेटिस्फाई होती है अच्छा तो लगता है आत्मा की पावर तो डिप्लीट होती है हर बार कितनी खुश होती है उस दिन ये बोला तूने भी आज ये कर दिया अच्छा किया तुम भी अपनी ओरिजिनल क्वालिटी से हट गए मैं भी हट गया अच्छा किया मैं तो तुम्हारे लिए दो मिनट के लिए हटा वापस आया दो मिनट औरों के लिए हटते, 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 गए हम। मिनट आप मेरे लिए हटे दो मिनट इसके लिए हटे चार मिनट इसके लिए हटे दस मिनट उसके लिए हटे दूसरों के लिए अपनी क्वालिटी से हटते हटते हम अपनी क्वालिटी से ही हट गए हटने का ही संस्कार बन गया ना यही अगर टिकने का संस्कार बना लेते सोचो कि दो मिनट में तुम्हारे लिए भी नहीं हटूंगा अपनी ओरिजिनलिटी से इसने कुछ किया मैं इसके लिए भी नहीं हटूंगा अपनी ओरिजिनलिटी से मैं इसके लिए भी नहीं हटूंगा मैं टिका रहूंगा तो टिकने का संस्कार बन जाता अभी तो हटने का संस्कार बन गया और हटते हटते दूसरे तो हटे ही हटे अपनी स्थिति से हटे हम भी हट गए क्योंकि हम वो ही रिस्पोंड कर रहे थे जो वो हमें कर रहे थे वो हम पर हावी होते गए होते गए होते गए वो तो हट गए हम भी हट गए रिजल्ट क्या हुआ कमजोर एक आत्मा होयोगी, धीरे धीरे पूरा विश्व आज कमजोर हो गया यही अब एक आत्मा फिर टिकेगी वेन वी चेंज द वर्ल्ड चेंज इज वाय वेन वी चेंज टूवर्ड्स नेगेटिविटी द वर्ल्ड चेंज टूवर्ड्स कलयुग when we will change towards power the world will change towards satya how can you satin? change when you're hurt it's not how can you change when you're hurt when you don't get hurt you change ab ek ghar mein do bhai ya do behne ya bhai behan saas bahu सालों सालों बात तक नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज तो एक बार के दो बार के तीन बार के नहीं हो रहा है तो बिना बात किए चलते हैं लोग तो बिना बात किए चल रहे मतलब बिना अपने प्यार की शक्ति को यूज़ किए चल रहे इट्स लाइक मेरा अब सालों साल हो गए इसको यूज ही नहीं किया तो क्या हुआ फिर नुकसान किसका हुआ क्योंकि बॉम्बे में मुश्किल है घर मिलना और एक ही जगह रह रहे हैं और पकड़ा है कोई मतलब अपना अपना काम करते चले एक अपनी एक शक्ति को यूज करना बंद कर दो। फैमिली में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से तीस साल से बात नहीं की वो अपने कमरे में रहती है अपने। जितने कमजोर होंगे अंदर से तीस साल ऐसी से। तो शुरू होते हैं तीस साल से यूज ही नहीं किया अपने पावर को तीस साल से अपने प्यार की शक्ति को यूज ही नहीं किया तीस साल से अंदर घुट रहे हैं क्या करेंगे इसको क्या कहेंगे See, हर बार दूसरे को अपने पर हावी नहीं होने देना नाउ हमें सत्युग दुनिया में नहीं क्रिएट करना नहीं हमें सत्युग अपने मन में तो क्रिएट करना है अब। अगर हम खुश रहना चाहते हैं नहीं रहना चाहते हैं हम ऐसे ही रहना चाहते हैं चेड़ चेड़ इरेटेड हर्ट एंग्री रिएक्ट, फिर जैसे आपने कहा उसने किया तो मैंने भी आ, क्या कहा रिवेंज लिया मैंने भी दो बार और कर ऐसे जीवन जीना है एक नहीं वो एक करेंगे तो मैं चार करता हूँ एक करेंगे तो मैं चार करूंगा तो उनकी बैटरी टेन परसेंट कम हो गई तो मेरी फोर्टी परसेंट कम हो जाएगी मैंने चार गुना कर दिया तो अभी क्या करूँ पहले डिसीजन कि मुझे ऐसी जीवन जीनी है जहाँ मेरी खुशी गायब होती जा रही है वो नहीं जीना है और करना भी नहीं है <laughs> करना भी नहीं है और वो पसंद भी नहीं है तो अभी चूज तो करना पड़ेगा इट्स लाइक like, ये हाथ लटक रहा है या तो इसको ऐसे लटके हुए रहने देते हैं पूरे जीवन या फिर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बिना मेहनत के तो ये अब ठीक नहीं होने वाला है मेहनत तो करनी पड़ेगी अब इसको मसाज भी करो इसकी एक्सरसाइज भी करो इसको सारा दिन दबाओ बहुत मेहनत है दो ऑप्शन है या तो इसको लटके रहने दो इसका मतलब ये है कि मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरा हाथ पहले टेढ़ा है हो गया। है तो तो मेरा ही ना एक्चुअली तो मतलब जो मैं इिटेट हो रहा हूँ मुझे बुरा लग रहा है हर्ट हो रहा है कि एक बार दो बार तीन बार चार बार आप हर बार आप बोलेंगे oh, आप, आप जवाब नहीं देते वी विल सी वो हाउ टू सी सॉरी मतलब नहीं एक मिनट हाँ. सारा ये सब होने के बाद अब मतलब देर इज समिंग रॉन्ग विद मी वॉट इज रॉन्ग डिफरेंट टॉपिक वी विल सी दैट बट आई एम बुंग टू वर्क ऑन माइसेल है ना फर्स्ट okay. करना है हाँ यही करना पड़ेगा क्योंकि उधर तो कुछ कर नहीं पाता उधर कितने लोगो के ऊपर करेंगे सी अगेन उधर भी चेंज करेंगे सपोज अगर चलिए हाँ, है. है अच्छा उस व्यक्ति के अंदर भी एक ही बात थोड़ी है सिर्फ अगर सपोज ये एक बात है कितनी छोटी बात है ना ये कि गुड मॉर्निंग नहीं किया न्यू ईयर नहीं विश किया सपोज बैठ के उनको समझा के कन्विंस करके हम करवा लेते हैं एक बार नहीं सपोज करवा लेते। लिया, कर लिया लिया कर कर मैंने <laughs> वो भी वो भी बोल दिया उन्होंने सॉरी कभी गलती हो जाती है माफ करना आप बड़े हैं हमसे और, और प्लीज गाइड अस नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा आप प्लीज हमको तो आपने ट्राई कर लिया ना उनको चेंज करने की कोशिश करना वो क्या बाद में फिर वैसे के वैसे फिर नहीं क्या उन्होंने फिर वही हो गए वापस थोड़े दिन के लिए तो हमने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया कि दूसरे को हम चेंज नहीं कर सकते अपनी तरफ से भी बिविश करके देख लिया तो भी उन्होंने नहीं किया नहीं परफेक्ट। वो अपने वो अपने उसमें से हटते नहीं है वो है जहां है बस वहीं हाँ। तो वो आत्मा के पास कोई रीजन होगा वहां टिके रहने का ये सोचो वो तो हटने रहे हम क्यों हट जाते हैं पहले मैं अपना अपना प्रॉब्लम दूर करूं हाँ, मैं अपना करूँगी उनके बारे में भी अगर आप देखो अगर आप ये वाली एक बात भी करवा लो सपोज यू सक्सीड यू नो एक बार आपने बोला दो बार बोल दो चार बार बोल दो फाइनली मान जाएंगे लेकिन वो एक बात पूरी होने के बाद आपको नहीं लगता लिस्ट में और बातें आएंगी विच यू वुड वांट टू तो चेंज इन देम है ना चेंज इन देम है आपको लगता है आपकी हर बात वो मानते जाएंगे चेंज होने के लिए

Immediately भी तो एक एक दो हैं हैं जिनके जो करते करते आपको। आपको लेकिन जैसे फिल्म का आपको सिर्फ लोग नहीं, करते हैं। नहीं आपको सड़क पे एक स्ट्रेंजर भी कर जाएगा। नाउ right. you know, की एक डायरेक्टर था उससे समय पूरी शूटिंग चालीस दिन की होती थी तो हर दिन जाने से पहले इतना पेनफुल जाता था क्योंकि वो ऐसा टेढ़ा था वो जानबूझ जानबूझा था के, इतना डेढ़ा था कि वो उसको क्या बोलते हैं जो दूसरों को दर्द दे के खुश होते हैं वो टाइप का था इसको तकलीफ दो वो आपको आपको दौड़ाएगा गिराएगा उसको क्या कहते हैं Sadist. क्वालिटीज अच्छा। थी दोस्ट तो है। उसकी शूटिंग में मैं कई बार सोचा इसका मैं छोड़ देता हूँ तो ये तो आपकी फैमिली नहीं है नहीं ये आ? भी निकला पॉइंट तो इसका मतलब घर के लोग जहाँ हम काम करने जाते हैं वहां के लोग है ना रास्ते में जब हम ट्रैवल भी कर रहे होते हैं ना सड़क पे कई लोग ट्रेन में सिस्टर जब आज ऐसी तीस साल पहले बैठता था मैं जान बुझ के आ, मैं खड़ा हूँ बाजू इतनी सीट अनजान आदमी देता नहीं था कि बैठ जाओ तो बड़ा धक्का मार के थोड़ा सा बैठना पड़ता था फिर पुश करो फिर पुश करो फिर, तो फिर आप, ले सीट आप ले। लिस्ट बनाइए ना आज इट्स नॉट टू थ्री पीपल एक एयरक्राफ्ट में लोग एक जो बीच का एक गियर रहता ना हैंडल उसके ऊपर हाथ रखने के रख के बैठ जाते लोग हटाते नहीं छोटी-छोटी छोटी छोटी-छोटी बातें नहीं लिस्ट। लिस्ट तो देखिए आप आप कह रहे हैं दो तीन लोगों को इस चेंज एक में कितनी सारी है। वापस एक्सेप्टेंस पे आ गया मतलब टॉलरेंस पे आना पड़ेगा मुझे सड़क पे कोई किसी दुकान में गए वहाँ किसी टैक्सी में बैठे उसका ड्राइवर कितने जल्दी होती है अगला आदमी सामने स्लो चलाएगा लेकिन आपको पास नहीं देगा वो करने नहीं देखा। आज एक पर आ जाते हैं। हजारों लोग हजार हर एक दस बीस आदतें मेरे कहने पे तो ये लोग चेंज होने वाले नहीं है नहीं बट मुझे तो सबसे भी रिलीफ ये मिला कि मैं तो एक को ही ऐसा समझ रहा था आपसे बात करने से पहले एक से ही प्रॉब्लम था अगर मैं चल बात करते है करते गया तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर मतलब एयरक्राफ्ट का को पैसेंजर ट्रेनों में मतलब मैं कितने साल से देख रहा हूँ मतलब लोग तो कहीं मतलब नेवर नेवर एंडिंग एंडिंग है गेम तो में क्यों जाना और वो, वो भी नेवर एंडिंग भी, भी और इम्पोसिबल भी कौन सा वो कहना मान के बदलने वाले हैं कहना माने किसको इस <laughs> उतने साल थोड़े जीऊंगा मैं उतने साल क्या उतनी लाइफ भी नहीं है लंबी नहीं नहीं लेकिन अभी तक भी कौन सा सक्सेस मिला है कि लोगों ने कौन सी अपनी आदतें बदल दी यू राइट right. और ये सब करने की कोशिश में ना औरों को चेंज करने की कोशिश में हमारी शक्ति कम होती गई है वी गॉट फ्रस्ट्रेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड एंड इरिटेटेड एंड एंग्री एंड रिजेंट चेंज करने के नहीं हर्ट होने की थी मेरा प्रॉब्लम हाँ वही मतलब हम डिस्टर्ब हो रहे थे ना बाय दैट पर्टिकुलर बिहेवियर उस पर्टिकुलर व्यवहार से हम डिस्टर्ब हो रहे थे अगर वो चेंज हो जाते हम ठीक हो जाते अब ये हुए नहीं तो हम ठीक हुए नहीं और आपने कहा वो एक बार करते हैं तो मैं चार बार करता हूँ तो हम तो सिर्फ हर्ट नहीं हुए ना अगर आपने सिंपल बात है, अगर आपने कहा एयरक्राफ्ट में किसी ने हाथ ऐसे रखा hmm. अगर आपको वो बात बुरी लग गई तो फिर थोड़ी देर के बाद आपने क्या करना हाथ रखूंगा ना एंड दिस इज स्मॉल थिंग एंड दिस इज इन बिग थिंग्स मीन्स हम क्या कर रहे हैं सामने वाले के व्यवहार से पहले हम हर्ट या डिस्टर्ब हो रहे हैं फिर रिएक्ट कर रहे हैं एंड फिर हम उसी का व्यवहार कॉपी करके उसको रिटेलिएट कर रहे हैं तो इसका मतलब जो चीज हमें अच्छी नहीं लगी थी वही चीज हम करने लग गए आज से कुछ साल पहले तो सिगरेट भी पीते ही जाते थे नाक जलता रहता था हाँ। एक रात में साथ क्या करें ट्रेनों में लोग पीते रहते थे जो चीज हमें उनकी अच्छी नहीं लगी थी इवन लेट्स गो बैक टू दैट सेम थिंग कि कोई आया और आपको विश नहीं किया विश करना आपकी नेचर है लेकिन कोई आए उसने विश नहीं किया पहले हम हर्ट हुए एंड hmm. दूसरा आपने कहा फिर अगली बार मैंने भी नहीं किया तो इसका मतलब पहले जब उन्होंने किया तब हम हर्ट हुए hmm. और दूसरा फिर हमने उनका संस्कार ही कॉपी करके वो संस्कार अपना बना लिया नुकसान किसका होता गया और ऐसे एक के साथ नहीं कितनों के साथ सबके संस्कार ही कॉपी कर लिए और फिर वेरी सोन सारे संस्कार जो हमें बाहर पसंद नहीं आए थे वो हमारे सेट ऑफ संस्कार्स बनने लग गए मैं ही बन गया सिस्टर ये नेक्स्ट एपिसोड में करते हैं इसको कंटिन्यू बिकॉज टाइम इज थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच ओम शांति